अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये है हमारा बैकग्राउंड, इस पर हम लोगों ने अपनी एक पिक्चर को एडिट करना है। तो मैं आप लोगों को जिस तरीके से पिक्चर दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इस पिक्चर को कैप्चर करना है। ये मेरी एक पहले से ही पिक्चर एडिट हुई हुई थी जिसको मैं आप लोगों को कट करके इसी बैकग्राउंड पर मर्ज करके अपनी फोटो एडिटिंग ये ना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके की मैंने कट करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं इसको इसी वाली फ़ोटो को जो मैंने कट की है उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा अपने बैकग्राउंड पर, और यहाँ पर मैं इसे छोटा करके एक साइड में कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक ये PNG टूल है, स्टूल है, तो यहाँ पर मैं इस स्टूल को भी अपने उसी बैकग्राउंड पर ले जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये सब जो भी आप लोगों को इस फोटो में यूज़ हो रहा है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों फ़ोटोज़ को कुछ इस तरीके से सेट करना है कि मुझे ये बिल्कुल एक रियल सा लुक दे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट किया है। अब नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो यहाँ पर पैर आ रहा है उस पर स्टूल का जो कि स्टेप है वो बहुत नीचे है। अब इस स्टेप को मैंने ठीक करने के लिए इसी स्टूल की जो कि मैंने यहाँ पर साइड में टैब ओपन कर रखा है स्टूल का, वापस मैं इसी स्टूल के टैब पर जाऊंगा। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे ये ठीक से लग जाए। तो यहाँ पर ये आई थिंक सो सेट हो चुकी है, और ये देख सकते हैं इस वाले स्टेप को मुझे थोड़ा सा ऊपर करना है। तो मैं इसको ऊपर करने के लिए अपनी दोबारा से स्टूल पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसके ये एक स्टेप को कट करूँगा। अब ये यहाँ पर जैसे ही कट हो जाता है तो यहाँ पर मैं ये दूसरा टूल यूज़ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसको कट करना है। यहाँ पर मुझे पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये ठीक से कट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर मैं इसके पेन टूल को यूज़ करूँगा और पेन टूल की मदद से मैं इसको इस स्टेप को जो कि स्टूल का एक स्टेप है इसको मैं कट करूँगा और अपनी उसी पिक्चर पर पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये कट हो चुका है, अब मैं इसको अपनी उस पिक्चर पर पेस्ट करूँगा और उसके स्टेप को मैं अपने ये वाला स्टेप जो है वो जहाँ से मैंने ये कॉपी किया था ये वहाँ पर मैं जाके पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने लेके आ गया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट करना है और कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये बिल्कुल रियल लगे कि ये एक स्टूल का ही स्टेप है। तो यहाँ पर इसको आप लोगों ने ठीक से एडजस्ट कर लेना है जैसे आप लोगों की पिक्चर है। अगर आप लोग पिक्चर ठीक से कैप्चर करते हैं तो जो ये स्टेप है उसी पर ही आपका पैर आएगा, लेकिन मेरी ये पिक्चर आप लोगों ने देखा एक पहले से कैप्चर हुई हुई थी तो मैंने उसी पिक्चर को यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेरा जो है स्टेप वो आ चुका है ऊपर। अब मैंने ये जो अपना मेरा शूज़ है, शूज़ का कलर थोड़ा सा मुझे सही करना है तो मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके ब्रश टूल लूँगा और ऊपर से मूड को ओवरले कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो शूज़ का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है। अभी साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ठीक से कटिंग नहीं की थी तो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करूँगा, इसको कट कर दूँगा अपने बैकग्राउंड इरेजर टूल से। तो इरेजर आप लोगों ने लेके ठीक से इसे कट करना है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आप लोगों को ये पिक्चर को एडिट करना सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबी अगर वीडियो हो जाती है तो लोग इसे बहुत ही कम देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने इस टूल्स की मदद से अपने बैकग्राउंड को, जो भी अपना साइड में आप लोगों की ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हुआ है उसको आप लोगों ने सेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये जैसे ही सेट होता है मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। इस पिक्चर में आप लोगों ने एक बहुत बड़ी खामी देखी होगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो खामी क्या है। मेरा जो एक शूज़ है वो यहाँ पर मौजूद है लेकिन दूसरा शूज़ मेरी पिक्चर में मौजूद नहीं है। तो वो किस तरीके से मैं आप लोग बनाऊँगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप लोग लेफ़्ट साइड पर मेरा जो दूसरा पैर है वो मौजूद नहीं है शूज़, क्योंकि वो पिक्चर में बिल्कुल नहीं आया। तो अगर आप लोगों का इस तरीके से बाय चांस होता है, अगर आप लोगों की भी पिक्चर मेरी इसी तरीके से कैप्चर हुई भी है तो आप लोग भी ये तरीका आजमा सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों ने अगर पिक न्यू कैप्चर करनी है तो आप बिल्कुल अच्छे से इस पिक्चर को कैप्चर करना। तो इस किसी भी टूल की मदद से आप लोग इसको ठीक से
कट कर सकते हो, यहाँ पर मेरी ये कट हो चुकी है। अब इसको मैंने अपने दूसरे वाले पैर की तरफ लेकर जाना है और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल एक रियल लगे और ये फेक ना लगे। तो इस किसी भी टूल की मदद से आप लोग इसको ठीक से कट कर सकते हो। यहाँ पर मेरी ये कट हो चुकी है। अब इसको मैंने अपने दूसरे वाले पैर की तरफ लेकर जाना है और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल एक रियल लगे और ये फेक ना लगे कि कोई ये समझ जाए कि हमारी पिक्चर एडिट हुई हुई है। तो इसको हमने बहुत ही केयरफुली इसको सेट कर लेना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने अगर पिक न्यू कैप्चर करनी है तो आप बिल्कुल अच्छे से इस पिक्चर को कैप्चर करना। तो इस किसी भी यहाँ तक हमारी पिक्चर एडिट हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसका कलर वगैरह को सही करूँगा अपने इस टूल के और अपनी इस पूरी पिक्चर के। मैं यहाँ पर एक और PNG यूज़ करूँगा, एक स्मोक की PNG है। तो ये PNG अगर आप लोगों को यूज़ करनी है तो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोग उस लिंक को ओपन करके ये तमाम पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको हम लोगों ने इसके मूड को चेंज करना है ताकि ये हमारा लाइटन मूड पर आप लोगों ने इसे रहने देना है और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को आप लोगों ने कम कर देना है। तो ये एक बिल्कुल रियल सा लगेगा कि ये स्मोक अब हमारी पिक्चर में ही मौजूद है। तो यहाँ तक हमारी पिक्चर एडिट हो चुकी है। अब आप लोगों ने थोड़ा सा इसको कलराइज कर लेना है ठीक तरीके से ताकि आप लोगों की पिक्चर बिल्कुल एक रियल सा लुक प्रोवाइड करे। ये इससे पहले आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके पीछे से थोड़ा सा आप लोगों ने ब्लर कर देना है ताकि आप लोगों को जैसे आप लोग कैमरे से पिक्चर है कैप्चर करते हो तो वो पीछे से ब्लर होता है उसका बैकग्राउंड। तो हमारा भी बैकग्राउंड कुछ इसी तरीके से लुक प्रोवाइड करे। तो हम लोगों ने इसे लेंस ब्लर में जाकर नीचे लेंस ब्लर में जाना है। उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल मामूली सा इसको वो कर देना है, ब्लर कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको पता है अगर हम बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं तो वो एक फेक सा लुक प्रोवाइड करती है कि वो हमने खुद ब्लर किया है। तो बिल्कुल मामूली सा आप लोगों ने ब्लर करना है। इसके बाद आप लोगों ने कर्व्स में जाके थोड़ा सा इसे सेट कर लेना है अगर आपको इसकी नीड हो, नहीं तो आप लोगों ने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देनी है और नीचे आकर आप लोगों ने कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये आप लोगों की पिक्चर पर डिपेंड करता है, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी की पिक्चर लाइट होती है किसी की डार्क होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये खुद से देख कर इसे सही से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एक ब्लैक कलर लेके आप लोगों ने ब्रश टूल पर ओवरले मोड को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से अपनी पिक्चर पर फेरना है। तो ये एक थोड़ी सी हमारी पिक्चर डार्क होती है, अगर हमारा बैकग्राउंड डार्क हो थोड़ा सा तो उस पर ये बहुत अच्छी आती है। अब देखें यहाँ पर मैंने अपने फेस पर भी एक साइड में फेरा है ताकि एक साइड से जो कि मेरी लाइट आ रही है वो बिल्कुल एक रियल सा लुक प्रोवाइड करे। तो यहाँ तक हमारी जो है वो पिक्चर एक एडिट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोगों ने, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि अपनी पिक को थोड़ा सा कलराइज लाजमी करें, एक बैकग्राउंड पर अपनी पिक इस तरीके से आप लोगों ने रखनी नहीं है। तो उसके बाद हमारे जो के हेयर हैं वो थोड़े से वाइट वाइट हो जाएंगे तो इसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा सही कर लेना है। उसके बाद आप ऐसे ओवरले के ब्रश को सिलेक्ट करके आप लोगों ने अपने जैकेट पर भी कुछ इस तरीके से अपने इस टूल को फेर देना है ताकि आपका जो जैकेट है वो भी थोड़ा सा डार्क हो जाए। याद रहे जो शेडो और हाईलाइट्स में जाना है और इसकी अमाउंट आप देख सकते हैं जैसे ही आप लोग कम करेंगे तो आपकी पिक्चर एक बहुत अच्छा सा लुक प्रोवाइड कर रही है। मैं चाहता तो इस तरीके से भी आप लोगों को इस पिक्चर को सेव करके बता सकता था, ये बहुत एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे कम किया है, ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी पिक्चर की सेटिंग करूँगा और ये सेटिंग करने के बाद हमारी पिक्चर फाइनल होगी और मैं आप लोगों को इसका फ़र्क दिखाऊँगा थोड़ा सा लाइट रूम से इसको सेट करके इसकी लाइटिंग को। तो यहाँ तक मेरी जो पिक्चर है वो सही हो चुकी है सही। अभी मैं थोड़ा सा मैं मिड टोन और कंट्रास्ट को थोड़ा सा पीछे कर लूँगा। तो यहाँ तक हमारी देखें पिक्चर एडिट हो चुकी है, बहुत ही एक ज़बरदस्त आप लोगों को ये इस वीडियो में मैंने पिक्चर एडिटिंग सिखाई है। अब मैं इस पिक्चर को ये देखें मेरे बहुत ही एक ज़बरदस्त आप लोगों को ये इस वीडियो में मैंने पिक्चर एडिटिंग सिखाई है अब मैं इस पिक्चर को ये देखें मेरे हेयर जो हैं वो थोड़े से ब्लैक हो चुके हैं। इस हेयर पर मैं वही ब्लैक कलर लेकर ब्रश लेकर इस पर थोड़ा सा फेरूंगा तो हमारे हेयर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब मैं इस पिक्चर को मैं आप लोगों को लाइट रूम से थोड़ा टच देकर दिखाता हूँ।